जम्मू कश्मीर के राजौरी में बृहस्पतिवार तड़के सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह सुबह धरती कांपी, इससे लोग सहम गए। बता दें कि गुरुवार की सुबह करीब 3:49 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। राहत की बात तो यह रही कि भूकंप के इन झटकों से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। इससे पहले भी बुधवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में इसी महीने 5 अगस्त को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जानकारी के अनुसार उस दौरान रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 मापी गई थी। इसका केंद्र पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में था। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ था और बृहस्पतिवार को आए सुबह भूकंप के झटके के दौरान भी किसी तरीके का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और यही सबसे बड़ी राहत की खबर रही। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में भूकंप कई दफा दस्तक दे चुका है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बुधवार को रात करीब 1 बजे 1.5 तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं अब जम्मू के राजौरी में भूकंप गुरुवार सुबह तकरीबन 3:49 पर आया। वहीं मैं आपको ये भी बता दें कि डोडा में भी 13 जून को भूकंप आया था, उसकी तीव्रता 5.4 मापी गई थी। 13 जून के भूकंप ने दर्जनों इमारतें और घरों में दरार डाली थी और उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बृहस्पतिवार को तड़के 4:17 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 रही थी। बता दें कि भूकंप आने का एक अपना कारण है। भूकंप के मुख्य कारण की ओर नजर डालें कि आखिरकार भूकंप क्यों आता है, उसके बारे में जानकारी दें तो यह धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है, जिन्हें कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फेयर कहा जाता है। ये 50 किलोमीटर की मोटी परतें होती हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, खिसकती रहती हैं। ये प्लेट्स अमूमन हर साल करीब 4-5 मिलीमीटर तक अपने स्थान से खिसक जाती हैं। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से ही अपनी जगह से हिल सकती हैं। इस क्रम में कभी कोई प्लेट दूसरी प्लेट के निकट आ जाती है तो दोनों की टक्कर हो जाती है और कोई दूर हो जाती है। इस दौरान कभी कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती हैं, ऐसे में भूकंप आता है और धरती हिल जाती है। ये प्लेटें सतह से करीब 30 से 50 किलोमीटर तक नीचे हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और सुबह सुबह लोग सहम गए। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आए और इसकी तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए के साथ। नमस्कार।